हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए। जोन की बात करें तो गाइस, भोपाल जोन की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, प्लस कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड गाइस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट मांग रखी उसी व्याप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई प्लस एलिजिबल हैं, एंड गाइस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एंड गाइस टोटल कितना वैकेंसी निकल के आया है, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, इसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइस आई मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस आपको बिना स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके, बिकॉज गाइज आप स्किप कर करके देखते हो जिसके कारण गाइज आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, फिर आप गलती कर देते हो, वो गलती अपन को नहीं करनी है। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइज आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूँ। एंड गाइज साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइज बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये अपनी कस्टर डिपार्टमेंट की तरफ से भोपाल जोन की तरफ से गाइज स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, दी चीफ कमिश्नर CGST सेंट्रल एक्साइज कस्टम भोपाल जोन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर दी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट्स कोटा। एंड गाइस बात करें कौन कौन सा पोस्ट इसके अंदर निकल के आए, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ, हवलदार एंड MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। बात करें गाइस इसके अंदर वैकेंसी पोस्ट वाइज तो गाइस टैक्स असिस्टेंट के अंदर 5 है, स्टेनोग्राफर के अंदर 1 है, हवलदार के अंदर 8 है, तो MTS के अंदर 1 है। टोटल वैकेंसी गाइस इसके अंदर 15 रिजर्व्ड आई है। एंड गाइस बात करें सैलरी पैकेज की, जो कि पोस्ट वाइज डिफरेंट सैलरी पैकेज रहने वाला है, डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यदि गाइस आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस आपका लेवल 4 के हिसाब से गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, स्टेनोग्राफर के अंदर गाइस लेवल 4 के हिसाब से, हवलदार के अंदर लेवल 1 के हिसाब से गाइस आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, MTS के अंदर गाइस लेवल 1 के हिसाब से रहने वाला है। बात करें गाइस इसकी अप्लाई करिए कि तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है। लास्ट डेट की बात करें तो 13 सितंबर 2024 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ओनली सच कैंडिडेट डोमिसाइल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से जो इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं स्पोर्ट्स कैंडिडेट, उनकी जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024 है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर अब एज लिमिट क्राइटेरिया की प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एंड गाइस स्पोर्ट्स अचीवमेंट की कब से कब तक आपका रहने वाला है, एंड किस ईयर से किस ईयर तक के गाइस आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड है। एंड गाइस बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यदि गाइस आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस आपने ग्रेजुएशन आपने पास की हो कोई सी भी स्ट्रीम में, BA, BCom, BCA तो भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइस पास्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सर परसिंग चल रही है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी, नो, पास्ड मार्कशीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड गाइस एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें टैक्स असिस्टेंट के अंदर तो गाइस 18 to 27 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि 8000 की रिप्रेजेंट पर आवर पे हो रहेगा टैक्स असिस्टेंट के अंदर। जैसे गाइस आपको पता है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट अपनी कंप्यूटर की पोस्ट होती है एक तरीके से ही। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के अंदर गाइस आप देख सकते हैं 12th पास आपने पास कर रखी है। एंड गाइस 18 to 27 ईयर्स तक गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर भी आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि डिक्टेशन 10 मिनट्स, 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स, इंग्लिश 65 मिनट्स, हिंदी ऑन कंप्यूटर। हवलदार के अंदर बात करें तो खाली 10th बेस पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइस इसके अंदर आपका फिजिकल होगा। 18 to 27 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें गाइस फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तो गाइस आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट क्राइटेरिया 157.5 सेंटीमीटर्स है, जो गढ़वाल असम गोरखा से हैं उनके लिए गाइस 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा हाइट के अंदर। चेस्ट के अंदर गाइस बात करें 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। एंड गाइस बात करें फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के अंदर गाइस वॉकिंग होंगी, जो कि 1600 मीटर इन 15 मिनट्स के अंदर गाइस आपको क्लियर करनी है। एंड गाइस फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो गाइस हाइट आपके लिए 152 सेंटीमीटर्स है। एंड गाइस असम गोरखास गढ़वाल के लिए 2.5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन है हाइट के अंदर। वेट के अंदर बात करें 48 kg की वेट की बात करें तो गाइस 48 kg गाइस आपका वेट होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें वेट के अंदर तो गाइस गढ़वाल असम गोरखास के अंदर 2 kg का गाइस इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलना है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो गाइस वॉकिंग आपको करनी है, जो कि 1 किलोमीटर की इन 20 मिनट्स के अंदर, जो कि आप इजिली कर लोगे, जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है नॉर्मल कैंडिडेट भी कर सकता है। गाइस 1 किलोमीटर गाइस इतनी राउंड नहीं है, ठीक है, 1 किलोमीटर आप इजिली 20 मिनट्स के अंदर वॉकिंग के अंदर गाइस आप इजिली क्लियर कर सकते हैं।
देन आफ्टर गाइस बात करें एमटीएस के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर, तो गाइस खाली टेंथ पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक आपने पास की हो 18 to 27 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गाइस फिजिकल आपको मैंने अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस ये रिलैक्सेशन इन अप्रेज का इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने, कोई गलती नहीं करनी, जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी साइज में गाइस आपको नीट एंड क्लीन करके आपको सेंड करना। आगे बात करेंगे कि कहाँ पे आपको सेंड करना है, किसके माध्यम से आपको अपना फॉर्म सेंड करना है। एंड गाइस अब बात करें स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, तो गाइस स्पोर्ट्स मैन वो हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और मेडल विनर इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स एज कैटेगरी अबाउ 18 ईयर्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मेडल विनर इन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एज एफआई इन एनी ऑफ द को गेम्स स्पोर्ट्स मेंशन इन पैरा 6, जो कि आगे बात करें कौन कौन से गेम्स के अंदर आपने गाइस एज एफआई खेल रखा है उस गेम के अंदर, तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन वो हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड इन ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन। एंड गाइस अब बात करें इसके अंदर फी स्ट्रक्चर की, तो गाइस एंड गाइस इसके अंदर कोई आपका फी स्ट्रक्चर नहीं लगने वाला गाइस बाय पोस्ट के, तो गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एप्लीकेशन दी विलिंग एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स मे सेंड देयर एप्लीकेशन इन दी प्रोफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर 13 September 2024 टिल 6 PM 15 October 2024 टिल 6 PM फॉर ओनली सच कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूं। एंड गाइस बात करें कहां पे आपको सेंड करना है, बाय पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से गाइस आप अपना फॉर्म सेंड कर सकते हैं। दी एडिशनल कमिश्नर CCA ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर CGST सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स भोपाल जोन के में गाइस आपको सेंड करना है बाय पोस्ट बाय हैंड के माध्यम से। एंड गाइस सेल्फ अटेस्टेड गाइस आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट गाइस आपके अटैच्ड होने चाहिए, मैट्रिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड गाइस NOC आधार कार्ड पैन कार्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन अवार्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉरम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जो कि बात करेंगे आगे की 1st, 4th, 2nd, 3rd के लिए कौन सा इसके अंदर आपका फॉरम लगने वाला है। एंड गाइस बात करें कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आर्चरी एथलेटिक्स अटाया पटाया बैडमिंटन बॉल बैडमिंटन बेसबॉल बास्केटबॉल मोटर स्पोर्ट्स नेटबॉल पैरा स्पोर्ट्स पैनकेक पोलो पावरलिफ्टिंग बिलार्ड स्नूकर शूटिंग बॉडी बिल्डिंग शूटिंग बॉल बॉक्सिंग रोल बॉल ब्रिज रोलर स्केटिंग कैरम रोइंग चेस ग्रबकी क्रिकेट स्पेक्ट्रो साइकिलिंग सॉफ्टबॉल साइकिल पोलो सॉफ्ट टेनिस डिप स्पोर्ट्स स्क्वैश इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी स्विमिंग फेंसिंग यानी तलवारबाजी टेबल टेनिस फुटबॉल टाइगमांडो गोल्फ जिमनास्टिक टेनिस हैंडबॉल एंड गाइस हॉकी ट्रेथलैंड आइस हॉकी टक ऑफ वार आइस स्केटिंग वॉलीबॉल आइस स्किंग वेट लिफ्टिंग जूडो वुशू कबड्डी रेसलिंग कराटे याचिंग काइकिंग कनाइंग टेनिस बॉल क्रिकेट खो खो योगासना कूडो। तो गाइस टोटल 65 गेम्स के गाइस इसके अंदर गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यदि गाइस आपका इसके अंदर गेम नहीं है तो गाइस आपको अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइस ऑल 65 गेम्स के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सारे आपके जो भी गेम हैं वो सारे गेम इसके अंदर होंगे। एंड गाइस अब बात करें इसके अंदर फॉरम 1st, 2nd के अंदर कौन सा फॉरम लगने वाला है। 4-1 के अंदर गाइस आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जो कि गाइस आपको साइन करा के लाना है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। नेशनल कॉम्पिटिशन 4th, 2nd लगने वाला है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम्स कंसर्न। इंटरनेशनल के लिए 3rd है ऑल इंडिया इंटरनेशनल के लिए गाइस फोरम 3rd, 4th इसके अंदर फोरम 3rd लगने वाला है। एंड गाइस फोरम 4 गाइस नेशनल स्पोर्ट्स गेम वो 4th के लिए रहने वाला है। एंड गाइस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए फोरम 5 इसके अंदर आपका फॉरम रहने वाला है। तो गाइस ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट हैज टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स वैकेंसीज पोजीशन अदर कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन इट इज केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉरम इन द गिवन फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉरम इन द गिवन फॉर्मेट। तो गाइस इसके अंदर आपको जब भी अप्लाई करना है कि आप इसके अंदर एलिजिबल है तो अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाएगा एंड गाइस आपका टाइम मनी प्रैक्टिस आपका वेस्ट होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो शुड बी अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेड पर्पज। एप्लीकेशन नॉट कंटेनिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स इनक्लोजर्स और विच वी इनकम्प्लीट एंड और अनसाइंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड कंसिडर्ड। एंड गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एंड गाइस बात करें इसके अंदर एप्लीकेशन फॉरम की, तो गाइस आपको मैं पूरी कोशिश करता हूँ जिसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन होती है आपको इसका एप्लीकेशन फॉरम उपलब्ध कराऊँ। तो गाइस आपको मैंने बता दिया था कि कहाँ पे आपको सेंड करना है, किसके माध्यम से आपको सेंड करना है। दी एडिशनल कमिश्नर CCA CGST सेंट्रल एक्साइज कस्टम भोपाल जोन
35 CCGST भवन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हिल्स भोपाल 462011। गाइस यहां पे आपको सेंड करना है बाय पोस्ट बाय हैंड के माध्यम से। लास्ट डेट इसकी 13 सितंबर है। एंड गाइस आपको मैंने बताया किस आपको मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कौन कौन से स्टेट है जो कि गाइस उनका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। एंड गाइस ये एप्लीकेशन फॉर्म है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं अप्लाइड फॉर दी पोस्ट। तो गाइस आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आपका गेम है, पासपोर्ट साइज फोटो, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड गाइस ये सारे आपको ये फिल करके नीट एंड क्लीन करके गाइस आपको सेंड करना है। एंड गाइस कोई भी कॉलम गाइस आपको खाली नहीं छोड़ना है। एंड गाइस कोई ओवर कटिंग नहीं करनी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट गाइस आपको सेल्फ अटैच करके सेंड करने हैं। तो गाइस ये अपनी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के जो कि भोपाल जोन की तरफ से निकल के है। एंड गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस जो एलिजिबल कैंडिडेट है ओबीसी बात है वो इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। एंड गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ, इसकी अप्लाई के लिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट इसकी 13 सितंबर 2024 है। एज लिमिट क्राइटेरिया गाइस सभी पोस्ट के अंदर 18 to 27 ईयर्स रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है। एंड गाइस आपको मैंने बता रखा है कि पोस्ट वाइज क्या क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखे हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करने वाले हो। सैलरी पैकेज गाइस आपको मैंने बताया, टोटल वैकेंसी की बात करें 15 वैकेंसी रिजर्व्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस आप शॉर्टलिस्ट होंगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बिहार पे। गाइस फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बाय पोस्ट बाय हैंड के माध्यम से गाइस आप अपना फॉर्म सेंड कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी गाइस आपका जॉब लोकेशन इसके अंदर रहने वाला है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस आपको वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आप सर्च कर सकते हैं आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दिया जाएगा। सरलता पर ध्यान पर कुछ नहीं करना, गाइस लिंक पे क्लिक करना एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलता पर ध्यान पर आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल में प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।